पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गरीबी उन्मूलन को लेकर बयान दिया है। स्वीडन में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है और पिछले 4 वर्षों में सरकार ने विकसित और समावेशी देश निर्मित करने की ओर काम किया है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गरीबी उन्मूलन केवल बातों और नारों तक सीमित था, लेकिन उनकी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सशक्तिकरण का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रही है। जानकारी के मुताबिक मोदी ने दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा कि देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में भारत में ऐसी सरकार है जो देश की प्रतिष्ठा, सम्मान और इसे 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने विकसित और समावेशी भारत का निर्माण करने का काम किया है। उसने वर्ष 2022 तक नया भारत बनाने के लिए काम किया है। तो वहीं इस मौके पर मौजूद स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने कहा कि स्वीडन भारत के साथ अपनी साझेदारी की बहुत कद्र करता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।